हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको डिप्लोमा कोर्सेज जो लुवास हिसार में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कितनी सीटें हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो VLDT और DVLT कोर्सेज़ के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। 11 अगस्त को फॉर्म वो आपके रिलीज़ हो चुके हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, luwas.education.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स अगर देखें तो हम तो डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड एंट्रेंस टेस्ट की डेट आपको हम बता देते हैं। तो VLDA की जो फॉर्म है वो 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 17 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विदाउट लेट फी अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 सितंबर लास्ट डेट है, और 600 रुपये की लेट फी के साथ आप 17 सितंबर तक VLDT और DVLT दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। VLDA का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसकी डेट आपको आगे बता दी जाएगी नेक्स्ट नोटिफिकेशन में लुवास के द्वारा, और आपका DVLT है वो NEET UG के मेरिट पे आपके एडमिशन्स होंगे। अप्लीकेशन फॉर्म फी 2000 रुपीज़ है जनरल AWS और बाकी जो कैटेगरी के लिए, और 500 रुपीज़ SC BCA BCB कैटेगरी के जो स्टूडेंट है हरियाणा के, उनके लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फॉर्म फी है, और बाकी कैंडिडेट के लिए 2000 रुपीज़ फ़ी है। और ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स है जो आप देख सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन डिपोजिशन करानी हो अगर अप्लीकेशन प्रोसेसिंग और काउंसलिंग की फ़ी, तो उसके लिए ये बैंक अकाउंट में आपको अप्लीकेशन और काउंसलिंग फ़ी है वो जमा करानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं VLDT और DVLT दोनों कोर्सेज़ के आपको दे रखे हैं अकाउंट नंबर, किसमें आपको जमा करानी है अप्लीकेशन फॉर्म फ़ी, तो इनमें आपको जमा करानी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपको एडमिशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो इस काउंसलिंग और इस प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो ये उन्होंने दे रखा है। अब हम बात करें एज की, तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज डेट ऑफ बर्थ आपको दे रखी है 31 दिसंबर 1998 से 31 दिसंबर 2003 तक आपकी ये एज होनी चाहिए जनरल और अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स की। SC BCA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप अपनी एज देख लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं वो आपको चाहिए कि 2x2 आपकी फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, और 1 अगस्त के बाद में आपकी वो पिक है फोटोग्राफ वो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए। तो आपको काउंसलिंग के टाइम आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और फोटोकॉपीज़ है वो लेके आनी होगी। उसके बाद हम बात करें ये जो इंस्टीट्यूट है उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं VLDA की, उनकी लिस्ट आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल और वेबसाइट दे रखी है हर एक कॉलेज की, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये कॉलेजेस हैं 12 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो VLDA के लुवास से एफिलेटेड हैं, जो उनकी ये लिस्ट आप देख सकते हैं। तो ये कॉलेजेस में अगर आपको कोई एडमिशन लेना है या फ़ी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक कॉलेज के आपको कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट दे रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इनकी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब बात करें अगर सीट्स की, तो बात कर लेते हैं सीट्स की और फीस स्ट्रक्चर के बारे में और हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो VLDT जो VLDA कोर्स है आपका, उसमें आप 10+2 होनी चाहिए आपकी विद 60% मार्क्स। किसी भी कोर्स किसी भी स्ट्रीम से आप
हो चाहे आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और उसके बाद जो DVLT कोर्सेज़ हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके 10+2 में मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में। ऐसी कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है। उसके बाद तक जो कैंडिडेट की मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए दोनों कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो आपको बता दी जाएगी। अब बात करें VLDT जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो साइंस के 70 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। मैट्रिक के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे मैट्रिक लेवल के। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा और CBSE न्यू दिल्ली का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे। एंट्रेंस टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा और आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 1 घंटा 45 मिनट आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। इनिशियल जो 30 मिनट्स है वो आपको जो प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए मिलेंगे। तो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से। डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड आपको आपकी एक पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो आपको पेस्ट करनी होगी। और विदाउट एडमिट कार्ड आपको टेस्ट सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये आप इंस्ट्रक्शंस ज़रूर रीड कीजिएगा। उसके बाद काउंसलिंग होगी आपकी एडमिशन जो, और जो आपकी काउंसलिंग है DVLT के लिए वो आपकी नीट के एग्ज़ाम के बाद होगी। और VLDA की काउंसलिंग है वो भी आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद होगी। तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिएगी वो हम काउंसलिंग के टाइम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आप। अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की तो फ़ी स्ट्रक्चर है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये सीट स्टेटस है वो आप देख लीजिए एक बार। एडमिशन कैपेसिटी है जो इंस्टीट्यूट ऑफ पैरावेटनरी साइंसेज लोहासिसार की, तो टोटल VLDA की 70 सीटें हैं। 20 सीटें आपकी DVLT की हैं और कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं वो आपको दे रखी हैं तो आप ये देख लीजिए। कैटेगरी वाइज सीट्स हैं वो देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी की कैटेगरी वाइज सीटें हैं वो दे रखी है। तो ये आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज सीटें DVLT और VLDT दोनों कोर्सेज की। और फिर ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जितने भी 12, उन सभी की 50% उनमें स्टेट कोटा है और 50% मैनेजमेंट कोटा है। तो वो भी आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज में स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स देख सकते हैं। बहु अकबरपुर में 39 सीट्स हैं और बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं हर एक कॉलेज में 30 सीटें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ीस की तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। एडमिशन के टाइम जो आपको फ़ी पे करनी होगी वो आप देख सकते हैं। 31,870 रुपये आपको पे करने होंगे एडमिशन के टाइम आपको। तो ये फंड्स हैं वगैरह हैं जो भी आप देख सकते हैं VLDA कोर्स के लिए, ये आपको हमने फ़ी बता दी है। और DVLT की और VLDA दोनों कोर्सेज की आप फ़ी है जो प्राइवेट कॉलेजेस में वो आप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ओपन कोटा सीट्स हैं जो स्टेट कोटा सीट्स हैं उनकी फ़ी 60,000 रुपये है पर ईयर की, और मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं उनकी 1,25,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस है। DVLT और VLDA दोनों कोर्सेज की प्राइवेट कॉलेजेस में हरियाणा के, तो ये आप देख सकते हैं दोनों कोर्सेज की ओपन कोटा और मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस की जितने 12 कॉलेजेस हैं हरियाणा में उन सभी की। और ये आप देख सकते हैं चार्जेबल फीस जो आपको काउंसलिंग के टाइम जमा करानी होगी, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ये
सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इन इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।